अमित जी और हमारे डायरेक्टर मनोज जी और सबको और मेरे हमारे कोस्टार और सूरज जी का उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी दीवानापन के लिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको बेहतर से बेहतर बना पाए। और आज तक जो काजल राघवानी फिल्में करती थी वहाँ पे मुझे रजनीश मिश्रा नहीं मिले थे, इसलिए शायद काजल राघवानी निखर के नहीं दिखी किसी को। बट होपफुली इसके बाद जो आपने काजल राघवानी को बाहर निकाला है जिस फिल्म से, इससे भी और आगे मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। हमारे डायरेक्टर हम बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में बनाएंगे इसके बाद। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और आपकी वजह से मैं मेहंदी बहुत अच्छी कर पाई हूँ। और मेरे कोस्टार का भी बहुत सपोर्ट रहा और मेरे ससुर जी का भी बहुत सपोर्ट रहा। तो मैं हमेशा इनको जब भी मैं बात करती हूँ मैं बोलती हूँ गोड लगे तो नहीं ससुर जी। दीवानापन नाम में ही इतना बढ़िया नाम है, दीवानापन। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले खेसारी भाई ने एक इंटरव्यू में कहा, दीवानापन किसी के प्रति हो सकता है, दीवानगी किसी के प्रति हो सकती है, परिवार के प्रति हो सकती है, अपने बच्चों के प्रति हो सकती है, जमीन जायदाद के प्रति हो सकती है। तो जब इतनी सारी दीवानगी एक ही दीवानापन में मौजूद है तो इस फिल्म को चलने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरी बेस्ट विशेज, ढेर सारी शुभकामनाएं इस पूरी टीम के साथ, डायरेक्टर साहब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस मुहूर्त के लिए, बहुत बहुत बधाई हमारे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, हमारे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इन माय लाइफ मिस्टर खेसारी लाल यादव, और बेटा भी, फिल्मी बेटा भी, लवी मेरे, मुझे इसनी इतनी जल्दी बाप बना देने वाला यही एक इंसान है, नहीं तो अभी तक तो लाल जी तक अभी तक कमा रहे थे। Planet Bhojpuri.